हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजकुमार धाकड़। वेलकम बैक विथ नई वीडियो फॉर यू। दोस्तों स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम 60 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एडीए डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि हमने इसमें लास्ट में कम से कम 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। इनमें सेकेंड मॉड्यूल 15 में से 2 से 3 क्वेश्चन आना तय है। तो समय को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर डीग्रीनिंग। तो डीग्रीनिंग का मींस क्या होता है दोस्तों? डीग्रीनिंग, ग्रीनिंग को रिमूव करने के लिए कौन सा केमिकल और या कौन सा हार्मोन में से जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, कौन सा हार्मोन डिग्रेन के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आईबीए, साइटोकाइन, जिबरेलिन और इथिलीन। तो इथिलीन इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, इथिलीन इज द करेक्ट आंसर। आईबीए क्या है दोस्तों? रूटिंग हार्मोन है। साइटोकाइन क्या है? सेल डिवीजन करता है दोस्तों। क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। याद रखिए आईबीए रूट इनिशिएशन करता है कटिंग्स वगैरह में, और जिबरेलिन क्या करता है दोस्तों? सेल एलोंगेशन करता है। क्या करता है दोस्तों? सेल एलोंगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस। तो दोस्तों इसका किस में है? बेल्जियम में है। किस में है दोस्तों? बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर इज पब्लिश्ड बाय। तो डियर फ्रेंड्स, इंडियन हॉर्टिकल्चर है, इसमें ओनली इंडिया और हॉर्टिकल्चर दो शब्द हैं। तो ये कहाँ से होता है दोस्तों? आईसीईआर से होता है। कहाँ से होता है? आईसीईआर से होता है। और एक जर्नल होता है इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसका नाम होता है इंडियन, पर यहाँ पर क्या जुड़ा होता है उसमें? इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो दोस्तों वो कहाँ से पब्लिश होता है? वो आईआरएस पब्लिश होता है। याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ से पब्लिश होता है? आईआरएस पब्लिश होता है। मोस्ट अबंडेंट एंड बेसिक ऑक्सीजन कौन सा है दोस्तों? तो आई सबसे मोस्ट अबंडेंट एंड बेसिक ऑक्सीजन है कौन सा? इंडोल एसिटिक एसिड। और दोस्तों जो आई बी ए होता है, तो ये कैसा है? तो रूट इनिशिएशन करता है। कैसा करता है दोस्तों? रूट इनिशिएशन करता है। और एन ए क्या करता है दोस्तों? ये फ्रूट सेट इन्हेंस करता है, फ्रूट सेट को इंक्रीज करता है, और पोस्ट हार्वेस्ट फूड ड्रॉप को कंट्रोल करता है। किस दोस्तों? पोस्ट हार्वेस्ट फूड ड्रॉप को कंट्रोल करता है। कौन? एन ए, नेप्थिलीन एसिडिक एसिड। तो दोस्तों और टू फेड का क्या फंक्शन है दोस्तों? टू फोडी ये भी फ्रूट सेट इनहेंस करता है, फ्रूट सेट को इंक्रीज करता है, बट ये पोस्ट हार्वेस्ट फूड ड्रॉप को कंट्रोल नहीं करता है। तो दोस्तों याद रखिए लगभग एन ए, और दोस्तों इसको हम लोग एज ए हर्बिसाइड भी यूज करते हैं। टू फोर डे को वीट 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 में कैसे करते हैं? एज ए हर्बिसाइड भी यूज करते हैं। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन आना तय है, आप इसमें से राइट लगा लीजिए। और दोस्तों पूरा वीडियो देखना ना भूलें। अगर जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दोबारा ना भूलें, क्योंकि हमारी अपडेट जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले अपडेट पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज नोन एज द होम ऑफ। तो दोस्तों आपको मालूम है कि इंडिया सबसे क्या होता है? मेडिसिन एंड स्पाइसेस होता है। तो इंडिया को स्पेशली स्पाइसेस का घर बोलते हैं। किसको? स्पाइसेस का। तो याद रखिए दोस्तों, वेजिटेबल में हम सेकंड हैं, फर्स्ट चाइना है, फ्रूट में भी सेकंड है, फर्स्ट चाइना है, और फ्लावर में तो हम दोस्तों बहुत पीछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई वाटर यूज एफिशिएंसी। तो किसकी होती है दोस्तों हाई वाटर यूज एफिशिएंसी? सबसे कम तो फ्लड इरिगेशन की होती है, स्प्रिंकलर की थोड़ी सी उससे ज़्यादा होती है, और ड्रिप इरिगेशन की सबसे ज़्यादा होती है वाटर यूज एफिशिएंसी। किसकी? ड्रिप इरिगेशन की सबसे ज़्यादा होती है, इसमें हम बूंद बूंद का भी यूज कर सकते हैं। तो वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? ड्रिप इरिगेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोट्रे आर रिलेटेड टू। तो दोस्तों प्रोट्रे किस रिलेटेड है? नर्सरी से। किस रिलेटेड दोस्तों? नर्सरी से। प्रोट्रे नर्सरी में जो आजकल जो छोटी छोटी ट्रे आती हैं, जिनमें कप साइज की जो स्ट्रक्चर होती है, उनमें जो हम लोग नर्सरी के प्लांट्स तैयार करते हैं उसको बोलते हैं प्रोट्रे।
उसको प्लेक ट्री बोलते हैं, कुछ लोग पॉट ट्री बोलते हैं। तो दोस्तों ये नर्सरी से रिलेटेड है। दिस इज फ्री प्लांट इन माइक्रो प्रोपेगेशन कैन बी ऑब्टेंड थ्रू। तो दोस्तों ये मेरिस्टम कल्चर, एंथर कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर एंड सेल कल्चर। तो दोस्तों मेरिस्टम कल्चर इज द बेस्ट आंसर। मेरिस्टम कल्चर से कैसा होता है, डिसीज फ्री प्लांट अपन प्राप्त करते हैं। एंथर कल्चर किसके होता है दोस्तों, हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, एंथर कल्चर है। एम्ब्रियो कल्चर कब करते हैं दोस्तों, जब कोई बैरियर होता है, जैसे कोई इनकम्पेटिबिलिटी आ जाती है, उससे बचने के लिए हम एम्ब्रियो कल्चर करते हैं। और सेल कल्चर दोस्तों की स्पेसिफिक डिमांड के हम सेल कल्चर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल इज यूज्ड फॉर पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग मीन्स इसका प्लॉइडी लेवल को बढ़ाना है। तो दोस्तों कौन सा, मेले का हेड्राइट तो ग्रोथ रेटार्डेंट होता है, साइकोसिल ग्रोथ रेटार्डेंट होता है, जो एनए होता है दोस्तों ये पूरी तो ऑक्सीजन है, और जो कोल्चिसिन है ये दोस्तों एक ऐसा केमिकल है जो क्रोमोसोम को डबलिंग करने के लिए काम में आता है। मींस अगर हमारे पास 2 NA है और हमने इसमें कोल्चिसिन डाल दिया तो वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, वो 4N हो जाएगा। मींस ये पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग में काम में आता है। किसमें काम आता है दोस्तों, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग में काम आता है। तो याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग एन इंसर्शन बिलो अ बर्ड। दोस्तों देखो, बर्ड के नीचे की बात कर रहा है, बिलो अ बर्ड रिटार्ड इट्स ग्रोथ, ग्रोथ को रोकने के लिए बर्ड के क्या कर रहे हैं, हम एक इंसर्जन बना रहे हैं, एक कट लगा रहे हैं। जैसे कि मान लो ये बर्ड है और इसके नीचे हमने यहाँ पर एक कट मार दिया, इंसर्जन मार दिया छोटा सा, तो उसको बोलते हैं निकिंग। निकिंग मीन्स नीचे। अगर हम बर्ड के ऊपर लगाते, मान लो कि हम इसको यहाँ लगाते बर्ड के ऊपर, तो दोस्तों नोचिंग। दोस्तों ये फिगमे रेगुलर प्रैक्टिस है, फिगमे करते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर ऑपरेशन ऑफ फिग के लिए। तो इसको याद रखिए, निकिंग नीचे करते हैं, नोचिंग ऊपर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। रिंगिंग किसको बोलते हैं दोस्तों, ये ग्रेप में करते हैं रिंगिंग। रिंगिंग और गर्डलिंग किसमें करते हैं दोस्तों, ग्रेप में करते हैं। और थिनिंग किसमें करते हैं दोस्तों, जितने भी टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स हमें थिनिंग करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा एग्रीगियस फ्लावरिंग होती है। तो याद रखिए दोस्तों, ये कल्चरल ऑपरेशन हम आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मिनेशन ऑफ सीड व्हाइल इट स्टिल रिमेनिंग अटैच्ड विद द पेरेंट प्लांट्स। तो दोस्तों ये तो बीबी पेरी हो गया ना, जबकि वो उसी से अपने से संपर्क में है, तो उसको क्या बोल हैं, बीबी पोरी बोलते हैं। तो दोस्तों एपोमिक्सिस इसको बोलते हैं, इन डेवलपमेंट ऑफ एक्सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ एक्सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन मीन्स इसमें एक्सेल माइटोसिस से डेवलप होती है। किससे दोस्तों, माइटोसिस से डेवलप होती है। और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। एसेप्सिस बोलते हैं दोस्तों कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी चीज को बचा के रखना है, तो इसको बोलते हैं असेप्सिस। ओविपेरी तो दोस्तों ओविपेरी में से अंडे देने वाले को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल फॉर्म बाय अटैच्ड ऑफ ब्रांचेस टू द ट्रंक। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, क्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोच बोलते हैं। जो ये एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोच बोलते हैं इसको। किनो फ्रूट इज कॉल्ड एज, तो दोस्तों किनो फ्रूट कौन सा है, मैंगोस्टीन है। कैसा दोस्तों, मैंगोस्टीन है। अवोकाडो क्या बोलते हैं दोस्तों, बटर फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बटर फ्रूट। मैंगो क्या बोलते हैं, किंग ऑफ फ्रूट बोलते हैं। क्या दोस्तों, किंग ऑफ फ्रूट बोलते हैं। बेर को क्या बोलते हैं दोस्तों, किंग ऑफ एरिड फ्रूट बोलते हैं। क्या दोस्तों, किंग ऑफ एरिड फ्रूट बोलते हैं। किंग ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज मैंगो है दोस्तों, है क्या बोलते हैं दोस्तों, मैंगो। और गावा को क्या बोलते हैं दोस्तों, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स बोलते हैं। क्या दोस्तों, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स बोलते हैं। एप्पल को क्या बोलते हैं दोस्तों, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। और सिट्रस को क्या, विटामिन सी फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, विटामिन सी फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट इज कॉल्ड एज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियस क्वेश्चन। तो किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट क्या है दोस्तों, एप्पल है। क्या है दोस्तों, एप्पल है।
और जो कीवी फ्रूट होता है उसको न्यूजीलैंड हॉर्टिकल्चर बॉन्ड ड्रॉप न्यूजीलैंड बोलते हैं, क्या तो हॉर्टिकल्चर बॉन्ड ड्रॉप न्यूजीलैंड बोलते हैं। किंग ऑफ नट्स किसको बोलते हैं दोस्तों, वालनट को बोलते हैं। वालनट को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ नट बोलते हैं। किसको दोस्तों, वालनट को। और दोस्तों जो आलमंड होता है इसमें बहुत ज़्यादा अपना क्या सॉरी ऑयल होता है, तो ये इसमें वालनट और आलमंड में दो ज़्यादा होता है। इसमें 64% होता है और इसमें लगभग 56% होता है। तो याद रखिए दोस्तों इनमें दो बहुत होता है, पेकानट और डेट पाम। डेट पाम में दोस्तों आयरन बहुत होता है, कितना, 10 नियर अबाउट 10% आयरन होता है। कीन ऑफ नट कौन से बोलते हैं, कीन दोस्तों, तो पेकी नट को बोलते हैं। क्या पी नट को क्या बोलते हैं, कीन ऑफ नट। तो दोस्तों याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है पर 100% इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमारे छोटी सी गलती से कारण गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए। और दोस्तों एक हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के बताना है कि रिच सोर्स ऑफ आयरन क्या है दोस्तों, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन क्या है। तो दोस्तों अभी वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग ऑफ एरिड फूड कौन सा है दोस्तों, किंग ऑफ एरिड फूड बेर है। हम पहले डिस्कस करते हैं, पालसा को स्टेप फूड बोलते हैं, पोमिगेट को बलस्टा बोलते हैं, आंवला को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडियन गूजबेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडियन गूजबेरी बोलते हैं। फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी क्या है दोस्तों, आंवला है। क्या है दोस्तों, आंवला, फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी। पूसा नन्ना डॉर वैरायटी ऑफ पपाया इज डेवलप्ड थ्रू। तो दोस्तों आपको अच्छे से मालूम है कि जो पूसा नन्ना है वो कैसे डेवलप हुई है, वो म्यूटेशन से डेवलप हुई है। कैसे होती है, म्यूटेशन से डेवलप हुई है। पूसा मेजेस्टिक वैरायटी ऑफ, तो दोस्तों पूसा वैरायटी किसकी वैरायटी है, पपाया की वैरायटी है। पपाया की वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है पूसा वैरायटी, ये गाइनोडायोसियस है। कैसी है दोस्तों, गाइनोडायोसियस है। द फ्रूट ऑफ बनाना इज बॉटनिकली एन, तो जो बनाना होता है कैसा होता है दोस्तों, बेरी होता है। कैसा होता है, बेरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए दोस्तों, बनाना पेपू कौन होता है दोस्तों, अपना कुकुरबिट्स को क्या बोलते हैं, पेपू बोलते हैं। पोम किसको बोलते हैं, एप्पल पियर क्वींस लोकट को अपन पोम बोलते हैं। ड्रुप किसको बोलते हैं दोस्तों, स्टोन फ्रूट जो होते हैं उनको ड्रुप बोलते हैं। मैंगो है अपना एक बेस्ट एग्जांपल ड्रुप का, तो आप याद रखिए। क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैंगो बहुत बार पूछा गया दोस्तों, मैंगो का क्रोमोसोम नंबर पूछते हैं, मैंगो या मैंगो स्टिंग का। तो मैंगो का कितना है दोस्तों, 2n = 40 है। कितना है दोस्तों, 2n = 40 है। और अगर x इक्वल टू पूछ रहे दोस्तों कितना आता है इसका, ये आता है 10। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिए। क्रोम नंबर ऑफ मैंगो स्टिंग तो कितना है दोस्तों, इसका है 24। 2n = 24, मैंगो स्टिंग क्रोम नंबर कहता है 2n = 24। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मैंगो, पॉलिनेशन इन मैंगो इज मेनली डन बाय, तो किसके थ्रू होता है मैंगो पोलिनेशन। तो दोस्तों मैंगो पोलिनेशन होता है हाउस फ्लाई के थ्रू। कैसे होता है दोस्तों, हाउस फ्लाई मधुमक्खियों से होता है, सॉरी घर की मक्खियों से होता है, तो हाउस फ्लाई से होता है। और दोस्तों इसमें केजिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे मान लो कि ये क्या है हमारा आम का पेड़ है, इसकी चारों तरफ एक केज डाल दिया जाता है और इसमें मक्खियों को घुसा दिया जाता है, मक्खियां इसमें घूमती रहती हैं और इस पर अपना पोलिनेशन करती रहती है। तो इसको बोलते हैं केजिंग टेक्निक्स, और इसी टेक्निक्स को दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी यूज करते हैं। केजिंग टेक्निक्स को किसके लिए भी यूज करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी यूज करते हैं। पॉलीप्लॉइड वैरायटी ऑफ मैंगो दोस्तों, पॉलीप्लॉइड वैरायटी कौन से मैंगो, ब्लैक कुलमन है, उलर है, कुरकुन है, सभी कैसी है, पॉलीप्लॉइड वैरायटी है। तो याद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पॉलीप्लॉइडी और किसान पाई जाती है दोस्तों, पॉलीप्लॉइडी सेट्रस पाई जाती है, जामुनों पाई जाती है और अपना मैंगो पाई जाती है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पॉलीप्लॉइडी के। तो दोस्तों याद रखिए सिट्रस जामुन एंड मैंगो पॉलीप्लॉइडी में पाई जाती है।
विच मैंगो वैरायटी इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी बार आया है आम्रपाली का नाम है क्या है, आम्रपाली दोस्तों 2 × 2.5 × 2.5 पे इसको लगाते हैं, कितने पे 2.5 × 2.5 पर। तो दोस्तों ये बहुत ही बार ट्राइंगुलर मेथड में लगाते हैं इसको, बहुत बेजार पूछ जाता है, और सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी प्लांटिंग इसकी होती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिए, नहीं भूलना है आपको क्या है हाई डेंसिटी आम्रपाली। दशहरी नीलम इसका क्रॉस है क्या है, दशहरी इंटू नीलम डीएनए, इसका एक कोड वर्ड है दशहरी इंटू नीलम डीएनए। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीडलेस कौन से दोस्तों, सिंधु इज द सीडलेस वैरायटी, कैसे दोस्तों सिंधु इज द सीडलेस वैरायटी याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इडियल पार्ट ऑफ लीची, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीची का इडिबल पार्ट क्या है। तो दोस्तों प्लेसी एरिल होता है लीची में, जो अपन व्हाइट व्हाइट जो उसका गुदा जो खाते हैं वो क्या होता है, प्लेसी एरिल होता है। तो दोस्तों पेरिकार्प किसका होता है, तो पेरिकार्प किसका है इडिबल पार्ट है दोस्तों, एक तो अपना बेर का पेरिकार्प इडिबल पार्ट है, दूसरा कस्टर्ड का है, डेट पाम का है, अवोकेडो का है। तो दोस्तों पेरिकार्प किसका एडिबल पार्ट है, कस्टर्ड एप्पल, अवोकेडो, बेर एंड डेट पाम, और कर्नल किसका है दोस्तों, तो दोस्तों जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें जो सीड्स खाते हैं उन सबका ड्राई फ्रूट्स का एडिबल पार्ट कर्नल होता है। थैलेमस किसका है दोस्तों, एप्पल है, पियर है, क्वींस है, लॉकहार्ट है, और अपना जाम्बी का भी थैलेमस आता है कुछ बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आना तय है, आप मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आना 100% तय है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। रेगुलेशन मैंगो मैंगो टू सम एक्सटेंट सबमर्शन कैन बी इंड्यूस्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ, तो दोस्तों एम्बो एंगो मैंगो में जो फ्लोरिंग के जो रेगुलेशन है उसको किसके थ्रू अपन कुछ बढ़ा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो कैसे दोस्तों पैक्रोबिटोरल से कर सकते हैं, किससे दोस्तों पैक्रोबिटोरल से कर सकते हैं। आईवी ऑक्सीजन थायरियस का दोस्तों कुछ रोल नहीं है दोस्तों। विच पपाया स्पीसीज रेसिस्टेंट टू डिस्टॉर्शन रिंग स्पॉट वायरस, तो कैरिका कॉलीफ्लोरा इज द राइट आंसर, क्या दोस्तों कैरिका कॉलीफ्लोरा इज द राइट आंसर है, रिंग स्पॉट रेसिस्टेंट स्पीसी है दोस्तों, कैसी रिंग स्पॉट वायरस के लिए रेसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी इज द इम्पोर्टेंट कल्टीवार, बहुत बार पूछे गए दोस्तों गुलाबी किसकी है, लीची की वैरायटी इम्पोर्टेंट है, और गुलाबी इसके साथ दोस्तों जैक फ्रूट की भी इम्पोर्टेंट वैरायटी है। तो याद रखिए दोस्तों गुलाबी इज द फेमस कल्टीवार ऑफ लीची। विच स्टेट इज नोन एज बॉल ऑफ एप्पल बॉल, तो दोस्तों कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, इसका तो पहले से अंडरलाइन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो एप्पल का प्रोडक्शन JNK का है, बट हिमाचल प्रदेश को बॉल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा और कम एरिया में ज्यादा उत्पादन होता है। एप्पल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मच ग्रेड्स, तो दोस्तों एप्पल को 6 ग्रेड्स में डिवाइड किया है, मीन्स अगर हम देखते हैं तो इसको 6 भागों में इसको बांटते हैं पैकिंग से पहले, जिसको हम ग्रेड बोलते हैं, तो इसको याद रखिए और 6 ग्रेड्स में एप्पल को डिवाइड किया है। पॉलीएम्बुलेंट फूड क्रॉप पीस, तो दोस्तों पहले अभी मैंने आपको जस्ट बताया था मैंगो है, सिट्रस है, जामुन है, तो इसका अलग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पपाया पेपेन कंटेंट मीन्स हाउ मच परसेंट प्रोटीन, तो दोस्तों इसमें पेपेन में कितना होता है, 72% प्रोटीन होता है, कितना दोस्तों 72% प्रोटीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों हम जब आपको पेपेन और पैजिस के बारे में बताते हैं, ये हाफ राइप और फुल मैच्योर फ्रूट्स की लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, मीन्स ये राइप फ्रूट से प्राप्त नहीं किया जाता है,
इसमें एक इंसर्जन बनाते हैं जिससे जो धीरे धीरे टपक टपक के ये इकट्ठा होता रहता है प्यालों में। तो दूसरा दोस्तों, इसका बहुत सारे यूज मेडिसिनल में है, और दोस्तों मीट के टेंडरिंग में है, फाइबर इंडस्ट्रीज में है, कॉस्मेटिक्स में है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लेटेक्स इसका पपाया का, जो कि मेचर फूड से और हाफ ड्राई फूड से अनड्राई फूड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉक्सकॉम इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। तो दोस्तों कॉक्सकॉम किसका है? सपोटा का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। दोस्तों कॉक्सकॉम में आपके अपनी हथेली के जैसे चौड़ी तन पत्तियों का गुच्छा तने जैसे बन जाता है, उसको कॉक्सकॉम बोलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है सपोटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप। तो दोस्तों इन चारों क्रॉप्स में सिट्रस एंड बनाना बोथ इस माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप, बट अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा कौन है दोस्तों? सिट्रस है। तो ये क्वेश्चन में कभी कभी अगर दोनों ऑप्शन नहीं आते हैं, अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो सिट्रस को अपन को चूज करना है कि सिट्रस इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम इज प्रैक्टिस इन। तो दोस्तों मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सबसे ना कहाँ पर प्रैक्टिस होता है? कर्नाटका और केरला और साउथ इंडिया। अगर यहाँ हम साउथ इंडिया लिख देते हैं तो दैट वन इज अ राइट आंसर। तो दोस्तों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मल्टी स्टोरी क्रॉप क्या होती है दोस्तों? जैसे एक बड़ी हाइटेड क्रॉप लगा दी, उसके बाद एक कम हाइटेड क्रॉप लगा दी, उसके बाद एक कम हाइटेड क्रॉप लगा दी, और उसके बाद कोई भी ऐसे छोटी हाइटेड क्रॉप लगा दी। तो इसमें क्या है दोस्तों कि प्रॉपर लाइट सनलाइट स्पेस का यूटिलाइजेशन होता है, और इसमें पर यूनिट यील्ड बहुत, प्रोडक्शन बहुत होता है, इनकम बहुत होती है। इसको बोलते हैं मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। पिंक प्लस वैरायटी ऑफ पपाया। तो पिंक प्लस वैरायटी कौन से दोस्तों? ताइवान इज द पिंक प्लस वैरायटी है, सॉरी सनराइज सोलो कौन सी है? पिंक प्लस वैरायटी है दोस्तों। जो सनराइज सोलो वैरायटी है, अगर इसको हम काटते हैं, इसको हम तो इसके जो जो इसकी फ्लैश है, जो उसका गुद्दा है, इसको हम खाते हैं, वो एकदम पिंक होता है। और ताइवान कैसा होता है दोस्तों? इसका रेड होता है, ब्लड रेड कलर होता है। सूर्या कुरघनेदी दोस्तों, ये सभी ग्राउंड राइसेस वैरायटी हैं। इन चारों को आप याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूसा मेजेस्टिक, वो भी एक ग्राउंड राइसेस वैरायटी है। तो पूसा मेजेस्टिक के बारे में सिर्फ ये आता है कि गाउंडेसिस वैरायटी कौन सी है, और ऑप्शन में पूसा मेजेस्टिक होता है और सब, और दूसरा होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटर पिट इन एप्पल इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो दोस्तों बेटर पिट किसके कारण होता है एप्पल में? कैल्शियम डेफिशिएंसी कारण होता है। किस कारण होता है दोस्तों? कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए। किंगडम मेंटेन इज क्रॉस बिटवीन किंग एंड डैश। तो दोस्तों ये किसका है? किंग एंड ब्लू लीफ के का क्रॉस है। किसका दोस्तों? किंग एंड ब्लू लीफ का क्रॉस है दोस्तों। 1935 में इसको डेवलप किया गया था इसमें एच बी प्रोस्ट ने। किसने डेवलप किया दोस्तों? एच बी प्रोस्ट ने इसको डेवलप किया था 1935 में। तो याद रखिए बहुत है। और 1959 में सूजी राजा भोसले द्वारा इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। और ये अभी ये आप देख रहे होंगे मार्केट में, अगर आपको संतरे है एकदम येलो दिख रहा है तो वो क्या है दोस्तों? मैंड्रेन है, अभी संतरा नहीं आ रहा है। तो बहुत टेस्टी होता है दोस्तों, खा के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आयरन। तो दोस्तों हमने जब एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, जिसका आपने आंसर शायद कमेंट बॉक्स में करके बताया होगा। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है दोस्तों? करोना में सबसे ज्यादा आयरन होता है, 39%। कितना होता है दोस्तों? 39%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंगो विटामिन ए होता है, आंवला विटामिन सी होता है, बालनट विटामिन ए होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। और दोस्तों हमने ये कुछ कंफ्यूजन वाले सेंटर्स ऑफ ओरिजिन हमने आपको रखा है। तो दोस्तों इसमें बीच क्रॉप इज ओरिजिनेटेड इन चाइना। तो दोस्तों मैंडरिन, स्वीट ऑरेंज, मलबरी, लीची, पर्सिमन, लॉकट, पीच एंड एप्रिकॉट, सभी का ओरिजिन कहाँ पर है दोस्तों? चाइना में है।
मैंडरिन, स्वीट ऑरेंज, मलबरी, लीची, पर्सिमन, लोकर, पीच, एप्रिकॉट। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 100% इसमें से आएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया? तो दोस्तों पालसा है, जैक पोटेटो, कार्जिला, एमबीएल, कुकुम्बर, ब्रिंजल और सभी। तो आंसर है डी, सभी। तो दोस्तों सभी क्रॉप्स कहाँ है ओरिजिनेटेड? नहीं है, यही इंडिया में इनका घर है। थैंक यू दोस्तों जिन्होंने हमारा कंप्लीट वीडियो देखा, और दोस्तों जो लोग नहीं देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कम से कम पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि नॉलेज पता नहीं कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, नॉलेज कभी खराब नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों और हमारे दूसरे वीडियो को भी आप देखिए, उनमें हमने कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।